बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जहमा से हंस आया, अमर है वो लोकवा। आज अमरत्व पर बात होगी, अमरत्व क्या है और जन्म मृत्यु क्या है। मैंने मृत्यु पर एक बात लिखी है, चिता संगनी मृत्यु तेरा, संपर्क अतीत जगत से है, निर्जर जीवन की तू गति, पर अस्तित्व तेरा जीवन से। तू असीम निधि, जीवन मृत्यु नना, हाँ यानी मृत्यु असीम है और जीवन एक नन्हा सा बिंदु है। आप देख रहे हैं हम सब मृत्यु लोक में है ना, इसको मृत्यु लोक क्यों कह रहे हैं, इसको मात लोक भी कहते हैं, इसको पितृलोक नहीं कह रहे, क्योंकि यहां जो भी शरीरधारी है उसकी मृत्यु अवश्य भावी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। आखिर हम अमरत्व की बात कर रहे हैं तो हमें मृत्यु को समझना होगा। ये मृत्यु क्या है, अमरत्व क्या है? मृत्यु का मतलब है विनाश, नाश हो जाना, या दूसरे शब्दों में इसको शरीरांत भी कह रहे हैं, यानी शरीर का अंत होता है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका। आत्मा अमर है। आत्मा क्यों अमर है, परमात्मा को क्यों अविनाशी कहा, आज इस विषय पर बातचीत करते हैं। पहले हम देखते हैं, हम क्रमबद्धता से चलेंगे। बंधुओं, उस सर्वशक्तिमान को अलग अलग नामों से संबोधित किया है, उसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है। सत सुकृत, जो कभी गलत न करे, सुकृत होता है सत्कर्म करने वाला। सत्पुरुष, अमी अमान, अविगत। अब अविगत क्यों कह दिया, विगत होता है जानने वाला, वो अविगत है। अविगत, जो विगत न हो। परमात्मा अविगत क्यों है, अनकारात्मक है। संभव के आगे अगर अ लग जाता है असंभव हो जाता है, सत्य के आगे अगर अ लग जाता है असत्य हो जाता है। इसलिए अनकारात्मक है। इस तरह इंग्लिश में भी आई आर आगे लग गई नकारात्मक, यूएन आगे लग गई नकारात्मक। सेटिस्फाई के आगे अगर अन लग गया तो अनसेटिस्फाई हो जाता है। मैंने एक संवाद उठाया था कि कबीर साहब का अभी स्थान भक्ति जगत में बड़ा ऊंचा है। उनकी वाणियों को, उनके शब्दों को काफी लोग अपने अपने तरीके से बाहर रखते हैं। हमें कोई राग नहीं है, पर मैं ये प्रमाणित करता हूँ ना कि उनके शब्दों में बड़ा वजन है, उनके दोहों में बड़ा वजन है। अगर आप देखेंगे तो सभी मत मतांतर साहब की नकल करते हैं, साहब की वाणी पर चलते हैं, सहज और कोकिला वाणी है साहब। आपको छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। साहब का एक दोहा है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोग नौखंड में गुर से बड़ा न कोई। ये साहब का दोहा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, किसी शिव भक्त ने लिखा, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तीन लोग नौखंड में महाकाल, गुर से बड़ा न कोई है, इन्होंने लिखा महाकाल से बड़ा न कोई। तो
तो इसी प्रकार साहब की वाणियों को रूपांतरित करके कई जगहों पर लिखा गया। हमें इनसे भी शिकायत नहीं है, कभी कभी हम भी कुछ चीजों को रूपांतरित करते हैं। तो आइए, उसको अलग क्यों कहा? अलग मीन्स नथिंग ना, ऐसा नहीं है। हम जिन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते, अकह क्यों? जिन्हें हम इस जुबान से नहीं बोल सकते हैं तो सही ना। यद्यपि अखा अकह, पर कहे बिन रहा न कोई। वाह क्या बात है, हालांकि वो अकह है तो भी उस सर्वशक्तिमान के बारे में कहे बगैर कोई रुका नहीं है। यद्यपि अकह है पर कहे बिना कोई रुका नहीं। अब मैं इस दोहे को जानता हूं, जो नहीं जानता है वो सोचेगा नई रचना है, पर मैं जानता हूं कि साहिब का दोहा है। इस तरह उसे अलग क्यों कहा गया? हम उस सत्ता को इन आंखों से नहीं देख सकते, पर विडंबना मेरी क्या है? मैं बताऊं, विडंबना मेरी एक है, आप जिसके सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं उसको अपमानित नहीं करो। जब आप साहब की वाणी को अपने प्रयोग में ले रहे हैं तो उन्हें अपमानित तो नहीं करो ना। लोग कहते हैं ये निंदक है, मैंने आज तक किसी भी इष्ट के लिए कोई अभद्र शब्द बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। भाई जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना हो। लोग निंदा के धातु को नहीं समझते, इसलिए उसको अलग क्यों कह दिया? नकारात्मक, लखने का मतलब है देखना। अलग क्यों कहा? और एक जगह क्या कह दिया? पुरुष के रूप का वर्णन करूं कैसे? अब यहां कॉन्ट्रडिक्शन है। दरअसल अलग इस दृष्टि से कहा कि हम इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जान सकते उसे, इसलिए इसे इंद्रियातीत भी कहा, व्योमातीत भी कहा, वर्णातीत भी कहा, शब्दातीत भी कहा। पर है वो शब्दों में नहीं आएगा। हम शब्द कौन से बोलते हैं? जो लौकिक शब्द है। उपमाएं कौन सी देते हैं? संसार के पदार्थों की उपमा देते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा तालाब है तो कहते हो भैया समुद्र की तरह विशाल है। तो इस तरह अनुपम क्यों का? ये जगत के पदार्थों की उपमा से बाहर है, क्योंकि हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके। व्योमातीत क्यों कहा? कोई भी व्योम से उसे हम उजागर नहीं कर सकते। वर्णातीत कर दिया, हम सब वर्णन करते हैं, आखिर क्या बात है? इसलिए ये शब्द कहे गए हैं कि हम सब सिर्फ पंचभौतिक तत्वों का वर्णन करते हैं, उनको देखे हुए उनके बारे में जानते हैं, इसलिए ये नाशवान हैं। तो क्या मैं निंदा कर रहा हूँ जल की, अग्नि की, पृथ्वी की, वायु की, आकाश की? लेकिन कुछ बुद्धिहीन लोग कह रहे हैं ये निंदा। हम तो ये कह रहे हैं, वेद भी तो कह रहे हैं ये नाशवान है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। मैं आपको यही एक उदाहरण देता हूं, ये मैं नेट पर खुद नहीं देखा, मेरे किसी सत्संगी ने देखा, मैं इसमें नहीं घुसा हुआ हूं। कई लोग मुझे आके बोलते हैं गुरुजी आपके शब्दों को, आपकी आइडियोलॉजी को, आपके मुंह से निकले शब्दों को लोग रूपांतरित करके बोल रहे हैं। कुछ शब्द जो अनूठे हैं मैं बोल रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं, वो उनकी उपज नहीं है, लेकिन वो उनको थोड़ा रूपांतरित करके, थोड़ा मसाला लगा करके बोल देते, ठीक है। इस तरह से
हम सब वर्णन किसका करते हैं? जो हम भौतिक में देखते हैं, पर वो भौतिक नहीं है। मैं आज के प्रवचन में ये बताना चाहता हूं वो अमर क्यों है और विनाश क्या है, उसको अकार क्यों कहते हैं। हम कहते किसके बारे में? जो हम देखे हैं उसके बारे में कहते हैं। उसको वर्णातीत क्यों कहा? भाई वर्णन हम किसका करते हैं? जिसका हमें बोध है, वो इनसे परे है। क्योंकि अनुपम क्यों कह रहे हैं? हम उपमा किसकी दे रहे हैं? जो हमने जगत में चीजें देखी उपमा देखते हैं, कहते हैं इतना बड़ा प्रकाश था, सूर्य की तरह प्रकाशित था, अब उपमा हमने सूर्य की दी। इस तरह से हम जो हमारे पास संसाधन है पंचभौतिक तत्व के, हम जीवन से ही इनको देखे, इनको पढ़े, इनमें पले, इनमें रह रहे हैं, इनका सब चीज कर रहे हैं। इसलिए उस धातु को, उस तत्व को हम लोग नहीं जानते, इसलिए उसको भी एक तत्व बोला, परमात्म तत्व, उसको भी तत्व बोला, पर नितत्व बोल रहे हैं। नितत्व क्यों बोल दिया? हम जगत में जो तत्व देख रहे हैं उनसे भिन्न है, वो उनसे भिन्न है। इस तरह आत्मा को भी एक तत्व बोला। कैसा तत्व है आत्मा? आत्म तत्व बोल नहीं रहे हैं, पर हम सब लोग पंचभौतिक तत्वों के अलावा किसी चीज से परिचित नहीं है, और ये पूरा खंड ब्रह्मांड जो है पंचभौतिक तत्वों में है। इसलिए वहां का वर्णन, वो वर्णातीत है, शब्दातीत, ऐसे ही प्रभु है वो परम सत्ता, वर्णातीत है, शब्दातीत है, वाणी में नहीं आ सकती, अक है, अनि है। क्यों? वो ऐसा तत्व है जो कभी नाश नहीं होता। सवाल ये हुआ, आप तत्व नाश क्यों हो रहा है? देखिए, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश है। अब देखो, पृथ्वी को पानी गुलित कर देता है, खत्म कर देता है, और जल को अग्नि रूपांतरित कर देती है। आप देखो, आप पानी रखें आग पर, उबल उबल करके वाष्प बन गया, यानी अग्नि ने उसके अस्तित्व को खत्म करके वाष्प बना दिया। और वाष्प फिर अग्नि को खत्म कर देती है। मैं उदाहरण देता हूं, दिया जल रहा है, फूंक मारा आपने, खत्म नहीं, बुझ नहीं गया। इस तरह फिर वायु को आकाश अपने में विलोम कर देता है, वायु आकाश में समाहित हो गई, खत्म हो गया उसका स्वरूप, और आकाश को महाशून्य अपने में समाहित कर देती है, तो शून्य रह गई। इसलिए शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। जब मैं ये बात बोलता हूं, ठेलुआ मेरी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं शून्य मीन्स नथिंग। वो क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं? इसलिए आगे मेरा फोटो लगाते हैं, और मेरा सत्संगी सोचता है पता नहीं ये क्या है, जब खोलता है उसमें मेरे विरुद्ध ही बात होती, उसकी विवर्टी बढ़ती है, और गूगल वाले और यूट्यूब वाले उनको काफी रकम दे देते, इसके व्यूअर बहुत है, बस यही है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक लेडी ने कंप्लीट न्यूड हुई, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कंप्लीट न्यूड होने की, 16 करोड़ लोगों ने उसे देखा। मैं एक बात बोलता आ रहा हूं, मैं पिछले 50 साल से तो दीक्षा दे रहा हूं, 51 साल से, और अखथ प्रयास के द्वारा अध्यात्म बोल रहा हूं, मेरे व्यूअर 52 लाख नहीं हुए। एडवर्स पब्लिसिटी, गलत काम का जल्दी विस्तार हो जाता है, विस्तार हो जाता है। इस तरह वो तत्व मनुष्य नहीं जानता है, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, देखिए आप विचार तो करें। अबधु बेगम देश हमारा है, अब क्या निंदा कर रहे हैं? अबधु बेगम देश हमारा है, बेगम देश है, इसलिए बेगमपुरा जो ये ट्रेन चल रही है काशी से वाराणसी से जम्मू तक, ये साहब के नाम से है। हम बेगमपुर के वासी हैं, बहुत कम लोगों को ये पता होगा, ये बेगमपुरा ट्रेन कबीर साहब के नाम पर है। अब आप देखो, यहां से झेलम एक्सप्रेस चलती है, दिल्ली से जम्मू से पूना, पूना से दिल्ली, दरअसल ये झेलम नदी पर है। इसी तरह अभी आप देखो माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस चल रही है। इस तरह से
साहब ने उस देश को बेगम कहा। आगे क्या बोल रहे, वेद किते बपार नहीं पावत, वेद क्या, वेद किते कुरान पार नहीं पावत, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। बिन बादल जाए बिजली चमकी, कौतुक नहीं है, हम लोग तो बिजली चमकते बादल के माध्यम से देखे, वहां बिन बादल जाए बिजली चमकी, बिन सूरज उजियारा है, बिना ताल जाए कमल खिलाने, वाह भाई हम लोग देखते हैं कमल तो ताल में खिलता है, बाहर कमल की खेती नहीं देखी होगी। वजह, कमल को एक विशेष खाद की जरूरत है और जल में वो कीचड़ से खाद उसको पूरी पूरी मिल जाती है, और नीचे की जमीन में तरी की जरूरत है। एक और खूबी है, हमेशा उस तालाब में कमल होता है जिसमें पानी बहुत गहरा ना हो, क्योंकि उसे सूर्य भी चाहिए। अगर पानी गहरा होगा पेड़ डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर सूर्य बहुत जरूरी है उसके लिए। बिन बादल जाए बिजली चमके, बिन सूरज उजार, बिना ताल जाए कमल खिलाने, वाह जहां बिना ताल के कमल खिलता है। बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत, वेद किताब शून्य निराकार तक बोले। अक्सर मैं इसको बोल रहा हूं, अभी वैज्ञानिक लोग भी इंसान की तरह अपनी खोज कर रहे हैं, वो पहुंचे हैं ब्लैक होल तक, क्रिएशन भी ब्लैक होल से है और डिसोल्यूशन भी ब्लैक होल से है, वो ब्लैक होल तक पहुंचे हैं। कह रहे वेद कितने व्यापार नहीं पावत कैंसर, तो कैसा वो देश है। आगे क्या बोले, जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से नहीं आ रहा है, तो वहां आकर कैसे देखा। अब नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, अखे वाजो पेखड़ा, बोला आंखों के बिना वहां देखा जाता है। हाँ ये कौतुक है, हम लोग तो ये जानते हैं आंखों से ही देखा जाता है। वो बोला अखे वाजो पेखड़ा, बिन कन्ने सुना, कान नहीं सुना जाता, बिना सीप जय मोदी उपजे, बिन मुख बहन उचारा है। आगे क्या कह रहे हैं, बिना सीप जय मोती उपजे, असंभव है, सीप के बिना मोती हो ही नहीं सकता, और वाणी मुंह के बिना नहीं हो। पर वहां क्या बोल रहे हैं, वाह आगे अंत में क्या कह रहे, यह विद सब है अलौकिक करणी, अलौकिक यानी इस देश में नहीं, बूझे गुरुमुख पे आ रहा है, कोई गुरुमुख उसको बूझ सकता है, जान सकता है। ये शब्द वैसे ही नहीं, आदमी को आकर्षित करने की कोशिश की है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, खिलौने वाले, मैं पिछले 50 साल से मैं प्लेन की यात्रा कर रहा हूं, 1970 से 71 से आए दिन मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो बंधुओं इस तरह वो है, उसके विषय में कहीं उल्लेख नहीं है, धरती घूमती है, पृथ्वी पर बोलने वाला पहला व्यक्ति था कोपरनिकलस। कोपरनिकलस को कोई हजारों साल नहीं हुए, जितने भी मानव थे खगोल की के अंधकार में चक्कर काटते थे, हम सब की यही धारणाएं बनी हुई थी। मैंने उस दिन भी बताया था उसको मौत की सजा हुई थी। इस तरह देखा, पहले उन्होंने अपना शोध भार रखा, तो कुछ पाखंडी तबके ने, कुछ जो धर्म भेदा थे पाखंडी तबके से, उन्होंने तर्क रखा राजा के आगे कि हमारी धार्मिक मान्यताओं पर यह चोट कर रहा है। कैसी धार्मिक मान्यता है, आप देखें इन मान्यताओं में कितनी भिन्नता है। आज पूरा शोर इसी बात पर हो रहा है चारों तरफ, मैं हैरान हूं। तो उन्होंने राजा को कहा इसको मौत की सजा दो,
राजा बुद्धिजीवी था, राजा निकोलस को मौत की सजा नहीं देना चाहता था, वो अपने तर्क रख रहा था। राजा ने निकोलस को कहा, भाई ऐसा कहो, अपने शब्द वापस ले लो, अपने बोले हुए शब्द वापस लेना एक तरह से अपने पर वार करने के बराबर होता है, पर शब्द बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए। मुझे एक आदमी ने कहा, आप सॉरी नहीं बोलते हैं। मैं उसको बोला, सॉरी होती क्या है? वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, मेरा कैशियर है और नेशनल अवार्डेड वैज्ञानिक है, बीट पर उसे अवार्ड मिला था, डॉक्टर भारत सिंह, बड़े भारी का आदमी है। मुझे कहने लगे, आप सॉरी नहीं बोलते। मैं बोला, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, सॉरी क्या होता है? माफी। माफी आदमी क्यों बोलता है? गलती करता है तब, यहाँ कोई ऐसा अटपटा कार्य करे। मैं सतर्क रहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो जिसका मुझे पछतावा हो, इसलिए अगर आप अटेंशन है तो सॉरी बोलने की विशेष जरूरत क्या है। मैं एक छोटे बच्चे की बात बताता हूँ, सुकृत की, अभी उसकी एज 3 साल 3 महीने है। उसने एक बच्चे को मारा, तो मैंने कहा उसको सॉरी बोलो, सॉरी नहीं बोल रहा था। आप ध्यान से सुनना, सॉरी क्यों नहीं बोल रहा था, यानी वो समझ रहा है सॉरी क्या है। बच्चे को उसने इसलिए मारा, पहले उसने मारा था, तो ये बड़ा खिलौना है। पहले उस बच्चे ने इसको मारा था, तब इसने रिएक्ट हुआ, ये तो सॉरी नहीं बोल रहा था। ये बिना अपराध के सॉरी बोलता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी जोर लगाओ, लेकिन जहां गलती हो सॉरी बोलता है। क्या बात है! मैंने कहा, भाई सॉरी कभी कभी बोलता हूं, आमतौर पर नहीं। उदाहरण के लिए, चलते मेरा किसी को कंधा लग गया, वो डिस्टर्ब हुआ, मैं वहां सॉरी बोलता हूं, कोई घमंड नहीं हो, पर मैं चलता ही ध्यान से हूं, मैं चलता ही ध्यान से हूं ताकि मेरा कंधा या मेरा पैर किसी को नहीं लगे, फिर सॉरी क्या बोलना है? सॉरी तो त्रुटि के लिए क्षमा मांगना है ना, जब त्रुटि ना करो ना। तो उस डॉक्टर साहब का ये कहना था, 30 साल 32 साल से आपके संपर्क में हूं, मैंने आपके मुंह से सॉरी नहीं बोला सुना। मैं बोला, भैया वो बच्चा सॉरी ऐसे नहीं बोल रहा था, इतना छोटा बालक है, क्योंकि वो व्याख्या तो नहीं कर पा रहा था इतनी, पर इतना बोल रहा था, इसने मुझे पहले मारा है, यानी अपने आपको कसूरवार नहीं मान रहा था, क्योंकि मैंने तो रिएक्ट किया, उसने पहले मारा, मैंने उसको जवाब दिया। अब साहब भी क्या करें, जो मुझे मारा, वाह, हर शब्द पर तो साहब ने बोला है ना, जो मैं मारा तेह मैं मारा, तेह मारे मैं दोष न हुई। उसको कौन सिखाया ये इतनी छोटी उम्र में? वो नहीं माफी मांगा कर, ऐसे ही कह दो इसको बोलो सॉरी, तो उसको देखता रहता, सॉरी नहीं बोलता। मैं कहता हूं इसको नमस्कार करो, नमस्कार भी कर देता है। मैं कहता हूं सलूट करो, सलूट भी कर लेता है, पर बोलूं बोलो सॉरी बोलो, मुझे पहले प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है, सॉरी किस बात की बोलूं? मुझे पता है सॉरी गलती पर बोली जाती है, वो इतना नन्ना सा जान गया। आपको, आप जीवों पर कभी भी शोध करना, आपको आत्मा नजर आ जाएगी। एक कुत्ता कहीं बैठा था, एक ने पत्थर मारा, सो रहा था, उठकर वो क्यों किया, नाराज हुआ, उसने अपनी भाषा में उसको बोला, तेरे पत्थर मारने की भाई क्या तुक थी, सब में तेरा जलवा समा रहा है,
इसलिए महान धर्म एक संदेश देता है अहिंसा का, किसी भी जीव को आप नहीं सताएं, आत्मतम सर्वभूतेषु। तो बंधुओं, इस तरह से मैं अपने पॉइंट पर फिर आ जाता हूँ, क्योंकि वो वर्णातीत है। हम सब भौतिक चीज़ों का वर्णन करते हैं, वो लोक अजीब है। मरहम ही हो ऐसा जाने संतो, ऐसा देश हमारा है, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। मरहम ही यानी जानकार, जो पहुँचा जानेगा भाई, कैन सुन से जा रहा है वो आका है था सो कथ दीना। वाह क्या बोल रहे हैं कबीर साहब, कितने सुंदर अलंकरण से उन्होंने अपनी वाणी रखी है। अकह था सो कथ दीना, वो अकह था तो भी मैं कह दिया, क्या बात है। समझाने की थ्योरी कितनी सरल है, सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया है, उसका मंथन करने की जरूरत नहीं। कबीर साहब मक्खन नहीं है, तताया हुआ घी है। इतने सरल तरीके से इतने जटिल तथ्य उन्होंने बाहर रखे, जो वंडरफुल है, अनिर्वचनीय है, अकह है, जिसके विषय में कहा भी नहीं जा सकता है। तो उनका वर्णन किया साहब ने आकर, निसंदेह वहां क्यों वो देश अविनाशी है, क्योंकि विनाश तो तत्वों से होता है, वहां तत्व नहीं है, पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और अकश्वा, शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा, छोड़ा नहीं किसी को उन्होंने। सीधी सीधी बात की, कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगो खैर, वाह सबकी खैर, वो तो मांगेगा ही, क्योंकि सब उसके हैं। आप सब बच्चे चाहे कैसे भी है, चाहे माँ बद्दुआ देती है ना बेटे को, जा तेरा नाश हो जाए, ये सिर्फ मुंह से बोला है, अंदर से उसके लिए हमदर्दी पड़ी हुई है। जीवड़ा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई, जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा है, जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। इसलिए आपका बच्चा कहीं संकट में है तो आप नहीं कहते उधर मत जा, तो साहब को आना पड़ा खुद, चल अंसा सतलोक, छोड़ ये संसारा, यह संसार ताल है राजा, कर्म का जाल पसा रहा है। उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्याएं दी है, क्या बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी विभाग के BHU के अध्यक्ष थे, नॉर्मल नहीं, अच्छे कवियों में उनकी साहित्यकारों में गणना होती है। वो साहब के लिए क्या कह रहे हैं कि कबीर को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कहीं शब्दों को नहीं ढूंढता पड़ता था, शब्द तो उनके आगे पीछे खुद मंडराते थे, हमें बोलो हमें बोलो हमें बोलो। तो बंधुओं, वहाँ वो ऐसा एलिमेंट है जो नाश नहीं होता, क्योंकि पांच तत्व नहीं है, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं। अब ठेलुआ लोग कह रहे हैं वहाँ झरने बह रहे हैं, तो नाश होगा, जब झरने बह रहे हैं तो धरती भी होगी, पर तर्क वो नहीं जानते हैं, वही है ठेलम ठेली वाली बात। अब किसान कुर्मी लोग, उनको जाट भी कहते हैं, पटेल भी कहते हैं, आमतौर पर शाम को वो अपनी खेती में चले जाते हैं, खेती की सुरक्षा के लिए वो भूमिहर है, और सुबह फिर अपने कार्य में, क्योंकि रात को कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं जो आकर के फसल नष्ट करते हैं। तो किसी तेली ने उसको व्यंग कसा, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, क्योंकि वो जब भी देखता था उसके सर पे खाट होती थी, रात शाम को जाते देखता था तो भी खाट, सुबह आते देखता था तो भी खाट, तो कहा जाट रे जाट तेरे सर पे खाट। जाट ने सोचा यार ये भक्ति कसता है, मैं भी कुछ बोलूं, दुनिया ऐसा तर्क रखती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। जाट ने कहा तेली रे तेली तेरे सर पर कोलू, तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू। तेली ने कहा यार फिकरा तो बना नहीं, जाट के सर पे खाट तो मुहावरा बना, तेली के सर पर कोलू मुहावरा नहीं बना। बोला छोड़ मुहावरे को, कोलू के वजन से तो तू दबेगा भैया। तो ऐसे वितर्क की बात नहीं की जाए, मैं वितर्क की बात नहीं करता हूं, वाणी ऐसी बोलिए दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल ये तराजू तोल करता बाहर खोल। तो इस तरह बंधुओं, वो देश सच में निराला है। कल मैं उस देश पर फिर आगे बढ़ूंगा, प्रमाण देते देते मैं तथ्य तक नहीं पहुंच सका, समय होगा, कल फिर मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब जी।